फ्रेंड गुड इवनिंग, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसकी केयर करना बताऊँगी। वो है यूफोर्बिया प्लांट, जो बहुत ही कम रख रखाव में चलता है, तो उसी प्लांट के बारे में बात करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरे गार्डन में कितना खूबसूरत ये गुलाब आया है। ये देसी है, मैंने इसको कटिंग से लगाया था, इसमें बहुत सारे कटिंग हैं। एक गुलाब और आया है, वो भी मुझे आज बहुत ही खूबसूरत लगा, इसकी बनावट मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, और ये सब तो वैसे हैं, इन सब की बनावट उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये दोनों गुलाब मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए हम यूफोर्बिया प्लांट की तरफ चलते हैं। उससे पहले छोटा सा मेरा गार्डन है, देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, ये रहा फ्रेंड यूफोर्बिया प्लांट, इसी की मैं आज केयर करना बताऊँगी। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है फ्रेंड, ये कटिंग के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है, और आप इसकी छोटी से छोटी भी कटिंग अगर लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। और ये अपने पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ लाल तांबे की तरह लालिमा लिए हुए रहती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अधिकतर ये रोड साइड वगैरह में आपको मिलेगा, क्योंकि ये बाउंड्री वगैरह बाउंड्री की तरह, मतलब बाउंड्री डालने के काम आता है। जैसे जहाँ बाउंड्री ना हो, इसको अगर लाइन से लगा दीजिए तो ये बाउंड्री की कमी को नहीं होने देता, तो इसी यूज में ही आता है। और ये देखिए, इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग अगर लगाते हैं तो ये आसानी से चल जाएगा। अगर आपको कहीं कटिंग मिलता है तो इस मानसून के सीज़न में आप इसे ज़रूर लगाइए, बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट है। हाँ, इसको जब ऐसे तोड़ेंगे तो इसमें से कुछ वाइट वाइट दूध वगैरह जो निकलते हैं, ये थोड़ी सी जहरीली होती है, तो इससे मतलब बच्चों को, जो आपके घर के जानवर हो, उन्हें थोड़ा सा बचा के रखिएगा, क्योंकि ये जो दूध इसका निकलता है बहुत ही ये ख़तरनाक होता है, ये पॉइजन होता है, तो इसी से थोड़ा सा बचाना रहता है। इसीलिए रोड साइड में होता है और इसको जानवर छेड़ते भी नहीं हैं। तो जो भी दूध वाले प्लांट होते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो दूध वाले प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। बहुत ही जो ये छोटी सी कटिंग आपको दिख रही होगी, ये बहुत आसानी से लग जाएगी, तो इसको आप ज़रूर लगाइए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और ये बिल्कुल केयर नहीं करना पड़ेगा, और ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, इसको फ्रेंड अधिकतर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अधिक पानी मत डालिएगा, क्योंकि प्लांट में अधिक पानी डालने से ये होता है दिक्कत कि जो ये पत्तियाँ इसकी होती हैं, ये पत्तियाँ सब अपनी गिरा देता है। तो जब इसमें पानी, इसकी मिट्टी में जब पानी सूख जाए तभी आप पानी डालिए, मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी डालिएगा, उससे पहले मत डालिएगा, नहीं तो आपके प्लांट ये बहुत जल्दी सारी पत्तियों को झाड़ देगा, क्योंकि ये पत्तियों के कारण ही जाना जाता है, पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा और बिग साइज की आती हैं, थोड़ी सी और बड़ी होती हैं, फ़िलहाल तो छोटी हैं मेरे गार्डन में, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी आती हैं। और ये देखिए, मैंने मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल ली है, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में मैंने लगाया है, बिल्कुल किसी तरह का वो नहीं है, नॉर्मल जो गार्डन की मिट्टी आती है वो लगाया है। हाँ, चिकनी मिट्टी में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को रोक कर रखता है, तो चिकनी मिट्टी से अपने प्लांट को बचा कर रखिए, तो चिकनी मिट्टी में आप ना लगाइएगा तो ये अच्छे से चल जाएगा। हाँ, इसे किसी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, कोई भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप मिट्टी तैयार करिएगा उसी समय मात्र आप गोबर की खाद या केचुए की खाद हो, उसी को मिलाकर आप लगा देंगे, तो फिर कभी आपको डालना ही नहीं पड़ेगा। इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो इसीलिए इसकी मिट्टी थोड़ा सोच समझ के तैयार करिए, ताकि आप जो भी पानी डालें वो छन कर निकल जाए, वेल ड्रेन हो जाए। और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा ही बनाइएगा, क्योंकि जड़ें तो गहरी होती नहीं हैं, तो अगर पानी ज़रा सा भी रुका तो ये प्लांट ख़राब होने के भी चांस रहते हैं, पत्तियों को झाड़ देता है। और इसे कम से कम 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए, अगर दिन भर की भी धूप मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट होता है, इसको जानवर भी नहीं छेड़ते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं, बिना केयर का आपके गार्डन में बना रहेगा। देखिए, मैंने जब से लगाया है मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, अब ना ये रूट बाउंड हुआ है, तो आप भी लगा सकते हैं, एक बार लगा देंगे तो 4-5 साल की छुट्टी हो जाएगी, रूट बाउंड का भी कोई उन्हें खतरा नहीं रहेगा कि चलो इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ये करना है, वो टेंशन नहीं रहेगा। एक बार लगा दीजिए, पानी चेक करके डालते रहिए, और ये देखिएगा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो देखिए, मैंने इसको 16 इंच के गमले में लगाया है,
और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर छोटी सी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ फ्रेंड, इस पर मिली बग का अटैक होता रहता है, तो मिली बग के लिए आप सिंपल जो पानी आता है टोटी का, उसी से आप पाइप की सहायता से धुलेंगे तो उसी से पानी निकल जाएगा, बाकी और किसी का वो नहीं है। अगर आपके घर उससे पानी डालने की पाइप से पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे बाटल में फंगीसाइड पाउडर को लेकर स्प्रे कर दीजिए, उससे भी ये मिलीबग हट जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय।